नमस्कार मित्रों मित्रों, हम आरएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति देख रहे हैं, इस रणनीति में हमने सबसे पहले देखा कि इसके बेसिक्स क्या है, क्या चीजें इनकी चाहिए अपने, उस पर बात की पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में अपने प्रारंभिक परीक्षा पे बात की है और आज इसी रणनीति का तीसरा भाग है। तीसरे भाग में प्रारंभिक परीक्षा में जो शेष विषय रह गए थे उन पे हम बात करेंगे। तो मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा की जो भाग दो था हमारा, इससे पहले वाला वीडियो आरएएस 2020 का भाग दो, उसमें हमने दो सब्जेक्ट पे बात कर ली। अब अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं मित्रों। जैसे आरएएस 2020 की रणनीति की संपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं सभी चरण की, उसमें हमारी ये प्रारंभिक परीक्षा पे रणनीति चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में आपने जैसे देखा है कि कुल 7 सब्जेक्ट होते हैं और इन 7 सब्जेक्ट में से हमने कल 2 सब्जेक्ट पे बात कर ली है। टोटल 7 है, 7 में से हमने 2 पे बात की है। 2 कौन-कौन से पे की है? एक तो हमने बात की है, वो की है इतिहास पर और दूसरी की है भूगोल पर। अब हम तीसरे सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है राजनीतिक व्यवस्था। जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था के 2 पार्ट है मित्रों। एक तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, वह भारतीय संविधान, और जो दूसरा है वह है राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। मित्रों, यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, चाहे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करें या कोई भी प्रकार की कंपटीशन की बात करें, तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए रामबाण, या हम कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बाइबल जो है, वो हम एक ही पुस्तक को कहते हैं, वो है एम लक्ष्मीकांत। तो मित्रों, एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है, अभी इसका 6ठा संस्करण आ गया है, 6ठे संस्करण को आप ले, काफी अपडेटेड है। तो एम लक्ष्मीकांत का जो 6ठा संस्करण है वो आप परचेज करें, और वो परचेज करने के बाद उसमें पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो देखने को अपने को मिलेगी, हम उससे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये राजस्थान है, इसमें राज्य स्तर पर भी उल्लेख है, पर क्योंकि हम पर्टिकुलर राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राज्य स्तर पे क्या होगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री के कार्य क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, वो तो इसी में मिल जाएंगे हमें। मुख्यमंत्री कार्यालय क्या होता है, सचिवालय क्या होता है, वो चीजें यहां मिल जाएगी कॉमन जो है। पर्टिकुलर राजस्थान से संबंधित जैसे आरपीएससी है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान महिला आयोग है, इनके बारे में अलग से कुछ एक टॉपिक दिए गए हैं, वो अपने यहां नहीं मिलेंगे। और मित्रों, यहां अपने को ध्यान रखना है कि अगर हम आरएएस की बात करें तो प्रॉपर आरएएस के अकॉर्डिंग राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो हमें किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती। आप यहां क्या कर सकते हैं, आप यहां 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है जनक सिंह मीणा की, ये आप इसके लिए पढ़िए। जनक सिंह मीणा, इनकी पुस्तक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इस पुस्तक को मित्रों आप ले, ये आपकी क्या करेगी, समझ विकसित करेगी। हालांकि मैं एक स्पष्ट तौर पे बता दूं कि इसमें जो आंकड़े हैं वो अपडेटेड नहीं है। इसमें मैं आपको सुझाव दूंगा कि जनक सिंह मीणा की पुस्तक से जैसे ही आप क्या करें, पढ़ना शुरू करें, तो पढ़ना शुरू करें तो जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग टॉपिक देख रहे हैं, तो आप इसमें से पढ़े, प्लस क्या करें, प्लस आप
एक कोई यूट्यूब पर वीडियो देखें और यूट्यूब पर वो वीडियो देखें जो लेटेस्ट हो। देखिए मित्रों, इस पोर्शन के वीडियो मैं भी डालने के प्रयास करूंगा संपूर्ण आरएएस के अकॉर्डिंग, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को जो क्या करता है, कवर करता है, वो डालने का मैं प्रयास करूंगा। पर मित्रों, यहां आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो है YouTube वीडियो में कि अपने क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे आरपीएससी है तो इसकी स्थापना कब हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पहले कहां स्थापित हुई, बाद में क्या हुई, और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आता है इसकी मोटे तौर पर कार्य कौन से रहते हैं, क्या काम करता है और किस तरह से करता है। तो ये आप क्या कि यहां इस पुस्तक से पढ़ेंगे, इसमें आंकड़े अपडेटेड नहीं है, वो आंकड़े अपडेटेड आपको यूट्यूब चैनल पर कोई भी सर्च करके आरपीएससी का अच्छा जो भी आपको वीडियो लगे, कोई भी एक वीडियो इसमें देख लेना। तो ये राजनीतिक व्यवस्था जो तीसरा है। इसके बाद में चौथा जो सब्जेक्ट है वह है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था है मित्रों, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। विश्व की अर्थव्यवस्था जो हमारे प्री में नहीं है, विश्व की अर्थव्यवस्था हमारे मेंस एग्जाम में है, और यहां विश्व भारत और राजस्थान, यहां केवल हमारे पास जो दी गई है, एक तो भारत की अर्थव्यवस्था की बेसिक दी गई है और दूसरा राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी गई है। मित्रों, यहां ये ध्यान रखिए आप कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आप कक्षा 11वीं व 12वीं की आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। एक बात कि कक्षा 11 व 12 की आरबीएससी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं अर्थशास्त्र की, और इसमें क्या पढ़े वही आपके पास सिलेबस पहले से होना चाहिए। पहली शर्त ही हमारी सिलेबस है, तो सिलेबस को अच्छे से देखें और देखकर वही टॉपिक अध्ययन करें जो हमारे सिलेबस में है। दूसरा देखिए आप, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था है, इस भारतीय अर्थव्यवस्था नाम से एक पुस्तक आती है रमेश सिंह की, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, आईएएस और आरएएस दोनों के लिए काम करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की है, उसमें से आप वह टॉपिक पढ़ें जो आपके आरएएस में है। इसके बाद में राजस्थान की जहां तक बात करें, तो मित्रों राजस्थान में अपने को ध्यान रखना है कि एक तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में बात की है कि कोई भी हमें एक गाइड लेनी है। अब गाइड जो भी हम लेंगे, दो गाइड मैंने सुझाव दिया था, इनमें से कोई एक लेनी है, और मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान रखना है कि एक लेनी है, दोनों नहीं लेनी, ज्यादा अपने को प्रपंच में नहीं पढ़ना है, पर दोनों में से पैनोरमा या लक्ष्य में से एक ले लीजिए। और आपने एक ले ली, इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़िए, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए जो सबसे प्रमुख आधार है, रामबाण है, वो है आर्थिक समीक्षा। ये मित्रों आर्थिक समीक्षा जो है ये राजस्थान सरकार प्रत्येक वर्ष जारी करती है, और आर्थिक समीक्षा हमारे लिए अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्रोत है अंक दिलाने का। सर्वाधिक क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहां अर्थव्यवस्था होती है इसमें से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपना जो आरएएस प्री का एग्जाम है, इस आरएएस प्री के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आपको आर्थिक समीक्षा में से देखने को मिल जाएंगे। ये आर्थिक समीक्षा का अच्छे से अध्ययन करें। अब अध्ययन कैसे करें कि गवर्नमेंट की निकालती है तो इसकी पुस्तक के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध होती है, वहां से आप खरीद लें, या आप क्या करें कि राजस्थान गवर्नमेंट की साइट से इसको डाउनलोड कर लें और वहां से इसको पढ़ लें। डाउनलोड करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है मित्रों, तो आप जहां तक है कि हार्ड कॉपी ले वही ज्यादा उपयुक्त रहता है। हम अच्छे से इसके नोट्स भी तैयार कर लें। तो यहां आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, और एक अपने को बजट पढ़ना होता है मित्रों। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी जो बजट है वो 2020-21 का है, तो 2020-21 के बजट में से आरएएस प्री में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसका अच्छे से आपको अध्ययन करना है। ये हमारी अर्थव्यवस्था रहती है। तो ये दोनों सब्जेक्ट, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, मित्रों जहां कोई भी सब्जेक्ट है अपने लास्ट में सार रूप में और बात करेंगे
कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके हमें शॉर्ट नोट साथ साथ में तैयार करते हुए चलना है। शॉर्ट नोट है उनका बड़ा महत्व है। कहां महत्व है? जब हम परीक्षा से पहले 3-4 दिन पहले रिवीजन करते हैं वहां एक नंबर प्री में, और फिर मेंस में तो बहुत ज्यादा उपयोगी है क्योंकि मेंस में सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, और अगर अपने पास शॉर्ट नोट नहीं है तो हम पूरा रिवीजन ही नहीं कर पाते। तो शॉर्ट नोट का अपना महत्व है, शॉर्ट नोट साथ साथ तैयार करते रहे, उससे आपकी तैयारी को धार मिलेगी। तो शॉर्ट नोट लिखे, ठीक है। इसके बाद मित्रों ये आगे देखते हैं अपने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो। इसके बाद में ये हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए इन 4 सब्जेक्टों में यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनमें क्या है कि जो हम कक्षा 6 से 10 की सामाजिक की पुस्तकें पढ़ रही हैं वो बहुत कुछ कवर करेगी, तो उसमें ये भी हम साथ में पढ़ते रहना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है मित्रों, इसके क्वेश्चन आपको 10 के आसपास देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए यहां आपने ध्यान रखना है मित्रों कि इसको कहां से पढ़ना है। एक तो आप यहां देखिए कि कक्षा 9 व 10 है कि आरबीएससी की साइंस की जो बुक्स है उसमें इस सिलेबस में से कुछ टॉपिक एजीटीज रखे गए हैं। जो टॉपिक कक्षा 9 और 10 में से इसमें रखे गए हैं वो आप अच्छे से वहां से अध्ययन करें। इसके अलावा क्या है कि मोस्टली क्या है मित्रों कि इस पोर्शन में अप्लाइड साइंस रहती है, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली साइंस रहती है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, इसमें रक्षा तकनीकी है, इसमें जीव प्रौद्योगिकी है। तो आप क्या करें कि इसके लिए अरिहंत की एक जनरल साइंस की किताब आती है, अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, वो आप पढ़ ले, उसमें सारे टॉपिक आपके कवर करेगी, तो वहां से आप इसको पढ़े। ये देखिए ये सारी की सारी जो हम अध्ययन कर रहे हैं अब तक वो सारे के सारे मेंस में भी काम आएंगे। शॉर्ट नोट अपने को साथ तैयार करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 6ठा हमारा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है तार्किक योग्यता एवं मानसिक योग्यता। तार्किक एवं मानसिक योग्यता, आप देखिए मित्रों इसमें क्या है कि अपने ध्यान रखना है कि इस पोर्शन से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। यह पोर्शन हालांकि मेंस में नहीं है परंतु इसका महत्व सबसे ज्यादा है क्योंकि मानसिक और जो यानी आपने आसान शब्दों के जो तार्किक योग्यता गणित और ये मानसिक योग्यता रीजनिंग, तो ये जो हमारी गणित और रीजनिंग है यानी एक रीजनिंग है और दूसरा मैथ्स है, गणित है। अब मैथ्स और जो रीजनिंग है इसमें मित्रों क्या है कि इसमें ये अंकदाई है, ये हमारे प्री को क्लियर करने का सबसे अच्छा साधन है, पर इसमें हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके लिए 2 पुस्तकें मैं सुझाव देना चाहूंगा। एक तो यूएस शेखावत, यूएस शेखावत है, इनकी रीजनिंग की पुस्तक है। इस रीजनिंग की पुस्तक से आप वे टॉपिक ले जो टॉपिक आपके सिलेबस में है अच्छे से उनको अध्ययन कर ले। और दूसरी मैथ्स में पुस्तक है आरएस अग्रवाल, और आरएस अग्रवाल में से मित्रों अपने को वही टॉपिक अध्ययन करनी है जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि आरएस अग्रवाल बड़ी पुस्तक है, उसमें बहुत से टॉपिक है अंकगणित के, तो आप कहें कि उसमें से वही टॉपिक लें जो हमारे 7-8 इस सिलेबस में आरएस प्री के सिलेबस में है वहां से अध्ययन करें। यहां मित्रों आप क्या करें कि रीजनिंग और मैथ्स की
जो आप शॉर्ट नोट बनाई उसमें सूत्र है वो अपने एक साथ लिखते ताकि जाते समय आप जब इनको हल करें तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन रहता है वो रहता है समसामयिक मामले। समसामयिक मामले या इसको कह दें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अथवा समसामयिक मामले है ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है जो हमारे यहां दिए हुए हैं कि वो प्रमुख घटनाएं। इसके अलावा नाम दिए गए प्रमुख चर्चित स्थान और व्यक्ति, ये ध्यान रखना है प्रमुख चर्चित स्थान और व्यक्ति पे जोर देना है, और खेल कूद से संबंधित गतिविधियां। देखिए इसमें हमें क्या ध्यान देना है, प्रमुख घटना जो भी अभी पिछले लगभग 6 माह में घटित हुई है। दूसरा कि प्रमुख चर्चित जो हाल ही में किसी ने किसी कारण से चर्चा में रहे हैं, चर्चित स्थान में व्यक्ति। जैसे अभी क्या है कि चीन से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो कोरोना किस स्थान से हुआ है, वुहान से हुआ है, तो वो आपने स्थान अपने को पता होना चाहिए। इस तरह से जो चर्चित स्थान रहे हैं। इसके अलावा खेल एवं खेल से संबंधित गतिविधियां, खेल एवं खेल से संबंधित गतिविधियां हैं ये इस टॉपिक में रहते हैं। यहां मित्रों अपने को ये ध्यान रखना है कि ये नाम से दिए गए हैं तो खेल एवं खेल से संबंधित गतिविधियों को अच्छे से गौर करें। अब गौर कहां से करना है कि एक तो हमें जो पीछे आयोजन हुए हैं खेल से संबंधित, उसमें अगर विश्व में आयोजन हो रहे हैं तो भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, वहां कितने पदक जीते हैं, इस पे ध्यान रखने। दूसरा अगर भारत में आयोजित हो रहे हैं या विश्व में कहीं आयोजित हुए उसमें राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, और राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो वो पूछा जाता है। मित्रों इस पार्ट के लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप क्या पढ़े, ये बड़ा पोर्शन रहता है, ये हमारे प्री में काम आता है, मेंस में काम आता है और इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि इंटरव्यू समसामयिक घटनाओं पर ज्यादा आधारित रहता है। हालांकि ये सब्जेक्ट वगैरह के बारे में पूछा जाता है पर समसामयिक घटना है वो फोकस में रहती है, मुख्यतः आधार वो ही रहता है। तो यहां क्या है कि मित्रों एक चीज ध्यान रखिए आप, यहां मैं स्पष्ट उल्लेख करना चाहूंगा वो ये कि आप जो समसामयिक घटनाओं के क्वेश्चन है जो आरएएस में पूछे जाते हैं और जो आईएएस में पूछे जाते हैं उनमें पूछने का रात दिन का अंतर रहता है। हमें क्या है कि आरएएस में सीधे डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं समसामयिक घटनाओं पर आधारित, जैसे कि कोई खिलाड़ी है आपको बजरंग पुनिया लिख दिया और बजरंग पुनिया के बारे में आपको 15 शब्द लिखने हैं, कोई चर्चित है व्यक्तित्व है मान लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ली जाए कि अशोक गहलोत तो वो कौन है क्या है उसके बारे में अपने को व्याख्या करनी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यहां कोई बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने के बजाय, जैसे आईएएस में करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा मैटर होता है, अगर उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, जबकि उतना ज्यादा हमारे लिए अंकदाई नहीं होगा जितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए हमें छोटी छोटी बुक्स इसमें पढ़नी है। छोटी छोटी क्या पढ़नी है, सबसे पहला रामायण तो समसामयिक में रहता है, वो न्यूज़पेपर रहता है। आप कहें कि कोई भी एक न्यूज़पेपर है उसका नियमित रूप से अध्ययन करें, नियमित रूप से अध्ययन करें, प्री में उसका अध्ययन करना है, और इसकी संपादकीय जो संपादकीय होता है उसको पढ़ने की आदत डाल लें, संपादकीय प्रश्न जरूर पढ़े वो हमारी एक समझ विकसित करता है। इसके बाद में राजस्थान में जो चलने वाली है एक तो मुमल समसामयिक है और दूसरी है क्रोनोलॉजी, ये दोनों छोटी छोटी पुस्तकें हैं और इन छोटी छोटी पुस्तकों में मुमल द्विमासिक आती है, क्रोनोलॉजी मासिक आती है,
इसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान का घटनाक्रम होता है। ध्यान रखना है मित्रों, समसामयिक घटनाएं हैं, ये ज्यादा केंद्रित रहती है, वो राजस्थान की केंद्रित रहती है, तो राजस्थान वाले पोर्शन पे जोर देना है। बाकी पढ़ना में अंतरराष्ट्रीय भी है और राष्ट्रीय भी है, और इनका नियमित हम अध्ययन करते रहेंगे तो करंट अफेयर्स से संबंधित हमारे ज्यादातर क्वेश्चन हल होने की संभावना रहेगी। तो मित्रों ये 7 सब्जेक्ट हैं जो आरएएस प्री में आते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए मित्रों आगे क्या रहता है। अब आरएएस प्री की बात हम यहां स्टॉप करें, रोकें, उससे पहले थोड़ी सी हम बातचीत और करना चाहेंगे कि हमने पहले वीडियो में देखा है कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं, 200 अंक के होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है ये प्रत्येक प्रश्न 3/4 अंक का होता है। अगर हम गलत उत्तर देते हैं, गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कोई भी क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हैं तो उसका 3/4 का 1/3 यानी 1/4 अंक प्रत्येक प्रश्न का काट लिया जाता है। तो ये है, तो हमें क्या है कि बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग में मित्रों क्या करना होता है, हमें जो आ रही है यानी जो हम 100% कन्फर्म है वो तो हम करते ही करते हैं, साथ में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो ऑप्शन में 50-50 हो, यानी आपको कन्फर्म हो कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये 2 तो है ही नहीं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, वे सारे प्रश्न आपको हल करने चाहिए और इसके अलावा कोई भी प्रश्न पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जितने आ रहे हैं वो करेंगे, प्लस जो 50-50 आ रहे हैं यानी दो ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि ये दो तो नहीं होंगे और इन दोनों में से कोई एक होगा, वो सारे प्रश्न हल कर दे और आप निश्चित रूप से ही आगे के स्टेप पे चले जाएंगे। कारण ये कि इसकी मेरिट है वो बहुत कम रहती है, अभी पीछे की जो जनरल की मेरिट रही थी वो 78 अंक रही थी, यानी 200 में से हमें 78 अंक लाने थे, तो ये मित्रों बहुत कम मेरिट रहती है। तो यहां मेरिट अगर व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तो हम निश्चित ही मेरिट में आएंगे। साथ में मित्रों अपने को एक ध्यान रखना है कि प्री के साथ साथ में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट मेंस में भी आने वाले हैं, तो मेंस और प्री में वे सब्जेक्ट एक साथ अध्ययन कर ले, यानी मेंस का भी सिलेबस आप देखें, उसको पढ़े और पढ़ने के बाद में जो इतिहास है, ज्योग्राफी है, राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है और समसामयिक मामले चल ही रहे हैं, ये क्या करेंगे, इनके शॉर्ट नोट बनाएं और दोनों तरह से इनको तैयार करें, मेंस और प्री के हिसाब से। जैसे ही प्री का एग्जाम होता है उसके तुरंत बाद हम मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मेंस में क्या होता है, कैसे होता है, अपने को क्या करना है, अगली वीडियो में वो देखेंगे। आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद मित्रों। अपने इस चैनल पर ये संपूर्ण आरएएस इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहेंगे और भी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति आपके साथ लेके आएंगे। और हमारे यहां क्या है कि कुछ वीडियोज भी पढ़ाने से संबंधित अपलोड किए जा रहे हैं, जैसे अभी आरएएस प्री की मैथ्स की बात करें तो अभी जैसे प्रतिशत चल रहा है हमारा, ईशा गुप्ता जो 2 बार राजस्थान टॉपर रही है अभी व्याख्याता के पद पर है, ऑल इंडिया नेट में 33वीं रैंक प्राप्त कर चुकी है, वो आपको यहां क्या है कि प्रतिशत करवा रही है, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। यहां मेरे वीडियो लगातार राजस्थान जीके से संबंधित, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित और अन्य भी आते रहेंगे, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो केवल इस आधार पर डाल रहे हैं कि पीछे के जितने भी सालों के पेपर्स हुए हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के, पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर आरएएस तक, वो सभी के सभी क्वेश्चन उस टॉपिक में, जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है उसमें समाई, कहीं से भी कुछ भी देखने की आवश्यकता न पड़े। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में
आरएस मेंस की रणनीति के लिए लेकर आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद मित्रों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।